बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने जब से फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड डेब्यू किया है तब से शी हैज़ बिन ऑन अ रोल। एक्ट्रेस के पास अभी दो और फिल्में लाइंड अप है। इसके अलावा अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ 3 फिल्में पुरानी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब एक और फिल्म है जो सारा अली खान ने अपने नाम कर ली है और वो है विकी कौशल की अपकमिंग मूवी। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म में फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए सबसे ऊपर सारा अली खान का नाम है। विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में सारा अली खान का कैरेक्टर काफ़ी इंट्रीगिंग बताया जा रहा है, जो माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड पर बेस्ड होगा। कहा जा रहा है कि वो अगली फोर्टनाइट तक इस फिल्म को साइन कर लेगी। वहीं विकी कौशल की बात करें तो उनके लिए इस फिल्म की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा वो हॉर्स राइडिंग भी सीख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विकी कौशल का कैरेक्टर इस फिल्म में गुरु द्रोणाचार्य और कृपी के बेटे पर बेस्ड होगा, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। और इस फिल्म को मल्टीपल स्पैन्स में शूट किया जाएगा, 80-90 डेज में और अलग अलग लोकेशंस पर। इस फिल्म को इंडिया के साथ साथ ग्रीस, न्यूजीलैंड, जापान और नामीबिया में भी शूट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें अभी की तो सारा अली खान फिलहाल कूली नंबर 1 के प्रमोशंस में बिजी हैं।